हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम हैं किसी फेरी लैंड के अंदर। ये देख सकते हैं आप, वो सुंदर सुंदर यहाँ पे पेड़ है, बहुत सारी स्नो है। मनाली की अपडेट्स लेके आ गए हैं हम आज। सबसे पहले 3 फरवरी आज की डेट है, सुबह के अभी 11 बजे हैं और अभी हम लोग सोलांग वैली के अंदर है। सोलांग वैली में रात को हमने कैंपिंग की थी और सुबह के कुछ शॉट लिए थे जो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप सोलांग वैली आने के लिए 4x4 टैक्सी बुक कर सकते हैं या खुद की 4x4 से आ सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल गाड़ी है तो आप केवल नेहरू कुंड तक आ सकते हैं और सोलांग वैली से आगे अटल टनल शिशु अभी केवल इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ओपन है। बाकी किसी भी तरह की गाड़ी लेके आप नहीं जा सकते। बाकी यहाँ का माहौल वीडियो के अंदर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है सोलांग वैली का एक्टिविटी ग्राउंड। अभी 2 से 2.5 फीट स्नो यहाँ पे है और अभी आज भी देखिए आप, सूरज जो है क्लियर नहीं है अभी, इतना बादल काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी 30-40% चांसेस आज स्नो के दिखा रखे हैं। अभी यहाँ पे -5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है 10 बजने के बाद भी। रात को यहाँ -15 डिग्री टेम्परेचर था और अभी ये देखिए सोलांग वैली का जो स्की सेंटर है और जो रोपवे है, यहाँ से आप स्की बुक करके ऊपर को जाते हैं रोपवे के लिए। और ये देखो कुछ लोग अभी एक्टिविटी के लिए निकल चुके हैं। अभी सोलांग वैली तक आप 4x4 व्हीकल बुक करके आ सकते हैं। अभी नॉर्मल गाड़ी से अगर आप आ रहे हैं तो आपको केवल नेहरू कुंड तक आने दिया जाएगा। नेहरू कुंड से आगे अगर आपको आना है तो 4x4 व्हीकल लेके आ सकते हैं सोलांग वैली तक। और फिर अगर सोलांग वैली से आगे जाने का आप सोचे तो वहाँ केवल अटल टनल की ओर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए रोड ओपन है। अगर किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी है, उसके अलावा वहाँ पे कोई भी व्हीकल आगे नहीं जाने दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा रिस्की है आगे जाना और बहुत सारी स्नो भी रोड के ऊपर है, रात को जो पूरी की पूरी जम जाती है, ब्लैक आइस हो जाती है। और ये देखिए अभी बहुत सुंदर नज़ारा, जो ये पोल आपको दिख रहे हैं, ये है सोलांग वैली का स्की सेंटर। अभी इस साल अभी स्नोफॉल हुआ है अच्छा, और अभी यहाँ पे स्की शुरू हो जाएगी। पोल के सहारे लोग ऊपर स्की करने जाते हैं और फिर नीचे जो है वो स्की करते हुए बड़ी स्पीड से, बड़ी मस्ती से नीचे की ओर आते हैं। और ये जो आपको अभी दिख रहा है, ये बीच में मंदिर है, यहाँ पे देवता कंचन नाग मंदिर। ऊपर जो ये रेड कलर की आपको ट्रॉलीज दिख रही है कुछ, ये यहाँ का रोपवे है। बहुत अच्छा रोपवे का व्यू आता है अभी अगर आप बर्फ के अंदर रोपवे करने के लिए जाते हैं। और अभी ये देखिए सुबह होते ही मशीन ने अपना काम चालू कर दिया है। ये रोड बीआरओ के अंडर आता है और रोड पे किसी तरह की परेशानी ना हो उसके लिए ये लोग रात दिन आपकी सेवा में लगे रहते हैं, जिसे यहाँ से रोड पे आना जाना चालू रहे, किसी तरह की दिक्कत यहाँ आने वाले टूरिस्ट को ना हो। कुछ लोग उसके बावजूद भी कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, यहाँ के रोड है, ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ की कंडीशन आप देख सकते हैं अभी कितनी स्नो है, 2 से 2.5 फीट अभी स्नो है यहाँ पे। और ये देखिए सुबह होते ही अभी 10:15-20 के आसपास अभी हुए हैं और ये देखिए रोड क्लियरेंस का काम जो है अभी शुरू हो चुका है। अभी यहाँ पे गाड़ियों को पासिंग के लिए जो है जगह मिल जाएगी, लेकिन बीच में कुछ टर्न ऐसे होते हैं जहाँ पे पासिंग के लिए जगह नहीं मिलती, वो रोड जहाँ से तंग रहते हैं, साइड में भी रास्ता नहीं बनाया जा सकता। तो आप लोग यहाँ के मैनेजमेंट को, यहाँ की ऑफिशियल्स को कंप्लेन ना ही करें तो अच्छा है। ये लोग अपना काम बखूबी कर रहे हैं यहाँ पे, थैंक्स टू बीआरओ। अभी ये देखिए रोड बिल्कुल सही हो गए हैं 4x4 व्हीकल चलने के लिए। और ये है अंजनी महादेव टेंपल का ट्रैक जहाँ से शुरू होता है, इस गेट से शुरू होता है। और ये अभी आप देख सकते हैं आधा गेट जो है स्नो से ढक चुका है और अभी 4x4 व्हीकल चले हैं। कोई भी नॉर्मल व्हीकल अलाउड नहीं है अभी सोलांग वैली की तरफ। और अभी 11:15 हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी स्नो अभी यहाँ पे है और अभी हल्की हल्की स्नोफॉल भी आ रही है जो कैमरे में नहीं दिखेगी। 30-40% चांसेस है स्नोफॉल के और ऊपर ये आप देख सकते हैं ऊपर स्नोफॉल चला हुआ है हाइट पे। और ये हमने अभी
पैकिंग शुरू कर दी है। रात को हम लोग यहीं कैंपिंग पे रुके थे दया भाई के साथ, और साथ में अभी हमें मंडी के शर्मा जी मिले हैं। हाँ जी, हाँ। शर्मा रजिस्ट्रेशन के नाम से यूट्यूब पे चैनल है इनका। हाँ जी। अभी हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। मैं जा रहा हूँ भैया गिलास लाने। ओके, गिलास लेके आओ आप। शर्मा चले गिलास लेने दूध पीने के लिए, और इतने में दूध गर्म हो चुका है ये देखिए, और साथ में अभी पोहे के लिए चॉपिंग हो चुकी है। ये शेफ साहब हमारे डाल दिया, डाल के रखो ना इसमें, डाल दिया डालने के बाद भी बच गया ना, देखिए तो फटा हुआ था अभी तो मैंने की। ये रखो पकड़ी में। हाँ जी, तो ये देखो अभी स्नोफॉल ज्यादा शुरू ना हो इसके लिए अभी जल्दी जल्दी हमने पैकिंग शुरू की है। और ये देखिए तिजोरियां, बहुत सारी तिजोरियां है अभी दया साहब के पास। लाइट कहाँ गायब कर दी हमने रात को, लाइट भी मिलेगी इधर। और ये था हमारा टेंट, मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। ये कुछ ऐसा व्यू था यहाँ से रात को जो हम लोग टेंट के अंदर रुके थे। और यहाँ से ये सीढ़ियाँ, अभी आधे कंबल निकाल चुका हूँ मैं ऐसे अंदर से, केवल अभी स्पेस आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए कितना स्पेस है यहाँ पे, तीन लोग हम सोए थे और उसके बाद भी स्पेस काफ़ी था, ये चार लोगों के लिए सफिशिएंट है ये टेंट। और ये अभी हम चले हैं सोलांग वैली से मनाली की ओर। ये वो ब्रिज है जहाँ से सोलांग वैली और रोहतांग का रास्ता अलग होता है इस ब्रिज से थोड़ा सा पहले, और अभी यहाँ पे केवल 4x4 व्हीकल चले हैं। और स्नो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी स्नो है अभी। यहाँ से मनाली 9 किलोमीटर के आसपास है, ये बोर्ड आप देख सकते हैं। और ये जो रोड आपको दिख रहा है ये ओल्ड रोहतांग रोड है, रोहतांग के लिए यहाँ से जाते हैं। और अभी यहाँ भी पलचान विलेज, कोठी विलेज, यहाँ पे काफी ज्यादा स्नो है, तो 4x4 व्हीकल यहाँ भी कोठी से आके गुलाबा तक ही बड़ी मुश्किल जा पाएंगे। और ये देखिए अभी 4x4 व्हीकल भी जो है कैसे जो है स्ट्रगल कर रहे, अभी फिसल रही है गाड़ियां। बहुत सारे पॉइंट पे गाड़ियां फंस जाती है यहाँ पे। और ये अभी हम पहुंचे हैं पलचान के अंदर, यहाँ पे बहुत अच्छी स्नो है अभी, ये देख सकते हैं रोड कहीं कहीं से दिखाई दे रहा है, बाकी जगह तो स्नो के ही रोड बने हुए हैं अभी। और यहाँ हमारे से आगे एक गाड़ी चली हुई है जो कि डांस कर रही है जगह जगह पे, ये देख सकते हैं आप। और गांव बहुत सुंदर हो गए हैं अभी यहाँ के, यहाँ जितने मकान है उनकी छतों पे भी 1-1 फीट के आसपास अभी स्नो है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रास्ते में अभी बर्फ हटाने का काम जोरों शोरों से चला हुआ है अभी, ये है बर्फ हटाने की मशीन। एक और मशीन लगी हुई है यहाँ पे, तो रोड सभी साफ किए जा रहे हैं, काफी हद तक रोड से जो है स्नो हटा दी गई है और बहुत सुंदर यहाँ के नज़ारे हो चुके हैं। और अभी वैसे सोलांग वैली में अभी हम चले थे, हल्का हल्का स्नोफॉल शुरू हो चुका था, हाइट पे अभी स्नो चली है, तो हो सकता है आज फिर से बहुत हैवी स्नोफॉल आपको देखने के लिए मिले। और ये अभी हम लोग नेहरू कुंड पहुँचने वाले हैं, और ऊपर देख सकते हैं आप अभी स्नोफॉल जो कुछ देर पहले तक अटल टनल तक था, अभी इधर ही ये शुरू हो चुका है ऊपर हाइट पे, तो
इसका सीधा सा मतलब ये है कि सोलांग तक 90% जो है स्नो आ चुकी होगी 90% केस में। तो हो सकता है ये मौसम ऐसे ही चलता रहा, कुछ देर में आप लोग मनाली के अंदर भी फिर से स्नोफॉल देख पाए। तो मनाली के अंदर अगर स्नोफॉल होगा तो उसका लेटेस्ट वीडियो भी जल्द ही आपके लिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप चैनल की वीडियोस कंटिन्यू देखते रहा करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ये अभी हम लोग नेहरू कुंड पहुँचने वाले हैं और अभी यहाँ तक नॉर्मल गाड़ियाँ आ रही है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अल्टो, एस्प्रेसो, अल्टिगा, बहुत सारी गाड़ियाँ अभी यहाँ पे खड़ी हुई है। और ये वो लाल ब्रिज जो कुछ दिन पहले हमने वीडियो में दिखाया था, यहाँ पे लगा है बैरियर, यहाँ तक आप नॉर्मल गाड़ी से आ सकते हैं और उसके बाद आपको 4x4 व्हीकल लेके जाने पड़ते हैं यहाँ से। और ये नेहरू कुंड के पास एक्टिविटी ग्राउंड अभी बन चुका है। जो लोग 4x4 व्हीकल से जा रहे हैं वो तो सोलांग वैली तक जा रहे हैं, और जो नॉर्मल गाड़ियों से आ रहे हैं यहाँ पे ये एक्टिविटीज कर सकते हैं। यहाँ पे ये याक राइड कर सकते हो आप, ट्यूब स्लाइड कर सकते हो, स्कीइंग हो रही है यहाँ पे। और अभी बहुत तेज हवा चालू हो गई है, ऊपर हाइट पे स्नोफॉल दोबारा शुरू हो चुका है और हम लोग देखते हैं अभी मनाली तक किस टाइम पहुंचता है ये स्नो। और ये अभी हम पहुंच चुके हैं मॉल रोड पे, हल्की हल्की छोटी छोटी बूंदें अभी शुरू हो चुकी है यहाँ पे। और ये देखिए भैया, बड़ा दुख होता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ जो है गिर गया था और उस पेड़ के गिरने की वजह से ये देखिए अभी अल्टो गाड़ी पूरी की पूरी डैमेज होगी। उसके अलावा वहाँ पे स्विफ्ट गाड़ी, 4 से 5 गाड़ियों का यहाँ पे नुकसान हो चुका है। और ये मॉल रोड से हम लोग पहुंचे हैं अभी अलेव विलेज। और ये देखिए यहाँ पे बर्फ के वजन की वजह से ये पूरा का पूरा पेड़ बीच से ही फट गया है और बहुत सारी वायर्स टूटी हुई है अभी, तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की भी दिक्कत है। लेकिन जो मॉल रोड से अलेव का रोड है ये पूरा का पूरा अभी क्लियर कर दिया गया है। अभी हर तरह की गाड़ी चली है, किसी भी मोड पे कहीं पे भी स्नो नहीं है कि जिससे गाड़ियां फिसले। तो काम जोरों शोरों से है, एक दो दिन में अगर दोबारा हैवी स्नोफॉल नहीं होता तो एक दो दिन में सभी सेवाएं पूरी तरह से सुचारू रूप से चल पड़ेगी।